और पशुपति पारस के मंत्री बनने पर चिराग पासवान ने एतराज जताया है। पशुपति को पार्टी से निकाला जा चुका है, यह फिर दोहराया गया है चिराग पासवान की तरफ से। पशुपति को एलजेपी का नेता सदन मानने के खिलाफ कोर्ट में ऑलरेडी एक याचिका दायर है। ऐसे में उनको मंत्री बनाया जाना ठीक नहीं है, वो भी एलजेपी के कोटे से। पहले ही चिराग पासवान ये कह चुके थे कि अगर एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।